अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हेमंत जी बहुत शुक्रिया। बहुत लोग प्रतीक्षारत हैं कि आप ये बताएं कि मंत्रिपरिषद में जो विभागों का बंटवारा हुआ है उस पर हेमंत तिवारी की क्या ओपिनियन, क्या ऑब्जेक्शन और क्या सराहना है। अब चर्चाएं तमाम प्रकार की हैं और मंत्रिपरिषद में किसको क्या जिम्मेदारी मिली इसकी मीमांसा, इसकी व्याख्या दूसरा विषय है। चर्चा तो यह है आम तौर पर सियासी फिजा में कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें सेंट्रल लीडरशिप की चली, उन्होंने अपने हिसाब से इंडक्शन दिए, चेहरे तय किए और ये जो मंत्रिपरिषद कार्य विभाजन हुआ ये कहते कि इसमें योगी जी चली, मतलब मुख्यमंत्री। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता इस पार्टी अब जिस हिसाब की राजनीति कर रही है उस समग्र दृष्टि से आगे पीछे भविष्य की योजना, अतीत के अनुभव, इन सब विषयों का सम्मिश्रित एक आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेती है और इसलिए बार बार अक्सर भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से हमको, आपको और हर आमो खास को चौंका देती है। चौंकाया है। मैंने तो चौंकना बंद कर दिया पाठक। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब आ जाएगा निर्णय तो चैनल पे चला देंगे, अब चौंकने वाला कोई विषय नहीं है। जैसे आप कल कितना चौंक रहे थे, कोई मुझे बता रहा था कि हेमंत जी काफी चौंके जब पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट इधर उधर गए तो क्या हुआ था कल? नहीं, पीडब्ल्यूडी जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं और किसी विभाग देने या मिलने या न मिलने से उनकी सेहत पे मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ता है। कौन ऐसा मंत्री होगा जो चुनाव हार के डिप्टी सीएम बना और चुनाव हारने के बाद कम से कम 125 विधायक उससे मिलने गए हों? वही स्थिति ब्रजेश पाठक। मैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को योगी सरकार के 5 साल के पिछले कार्यकाल के उन मंत्रियों में गिनता हूँ जिनके यहाँ कभी भी 200, 500, 1000, 2000 से कम भीड़ इकट्ठे नहीं हुई, बाकी लोगों के यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए कि जब आप जनप्रतिनिधियों से मिलोगे, जब आप जनता से मिलोगे, डिलीवर करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे। एक तो बात बताइए हेमंत जी, मैं पूरी लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है और रखी भी है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन लगा आपको? देखिए बेनिफिशियरी इंडिविजुअल किसको क्या बताएं। अब जैसे जितिन प्रसाद है, पीडब्ल्यूडी के बारे में अलग अलग परसेप्शन लोगों का होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है जितिन प्रसाद से? मुझे लगता है कि अरे मुझे क्या प्रॉब्लम है, किसी को मिले हमको किसी से क्या लेना देना हमारा। जितिन प्रसाद की जो पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी उनको ग्रूम करना चाहती है आगे, ये तो तय है, इसमें कोई शक नहीं, और बड़े लीडर के तौर पर ग्रूम करना चाहती है। लेकिन वही ब्रजेश पाठक है, मैंने तो साल भर पहले, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं ब्रजेश जी, बहुत जरूरी है लोग जानना, जब कोरोना काल का कष्ट एकदम प्रचंड वेग में था और यही ब्रजेश पाठक एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक पत्रकार के लिए, एक एक इंडिविजुअल के लिए लोग सिफारिश कर रहे थे, फोन कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है आशीष मिश्रा इंडिया टुडे के, उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था, ये 2021 को बता रहा हूँ और जब लोग मर रहे थे, कहा कि ब्रजेश पाठक जैसे व्यक्ति को इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना देना चाहिए। मैं आज देख रहा था, मतलब आप सोचिए साल भर पहले उसने लिखा। तो अगर आप बेहतर करोगे तो आपको बेहतर जिम्मेदारी मिलेगी। और देखिए उनको भी जो विभाग मिला समग्र मिला, मतलब मेडिकल एजुकेशन, आयुष छोड़ दें तो बाकी चिकित्सा से जुड़े सारे विभाग उनके पास है। हाँ, चौंकाने वाली बात जब होती है तो निश्चित रूप से जितिन प्रसाद वाला फैसला चौंकाने वाला होता है। घूम कर आप जितिन पे क्यों आ जा रहे हैं हेमंत जी, इंडक्ट कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं और इस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, तजुर्बा है, बढ़िया तरीके से चलाएंगे जी। ब्रजेश शुक्ला जी को बुलाया जाए, बाकी तो थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। अभी आप हेमंत जी के विश्लेषण सुन रहे थे।